बिस्मिन टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट तो उसके यू क्यू स्टार्ट करते हैं तो so, सबसे पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थीसिया वाला ओके okay? तो so, एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट साइड पे पैरोटिड की स्वेलिंग है एफ एन ई सी के अंदर बिलाइंड ट्यूमर है तो कौन सा एनेस्थीसिया दोगे जनरल एनेस्थीसिया दोगे अब जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके स्टेप्स क्या होते हैं सबसे पहले आपने इंडक्शन करना होता है एनेस्थीसिया का इंडक्शन के लिए आप आई वी या इनहेसनल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते होते हैं और कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट जो कि कौन सी होती है थायोपेंटीन होती है थायोपेंटिन या थायोपेंटल होती है अब थायोपेंटल को आप कौन से रूट से देते हैं आईवी रूट से देते हैं मोस्ट कॉमन रूट आईवी होता है ओके okay? क्योंकि आप एक्स्ट्रा वास्कुलर दोगे तो सीवियर पेन होगा और आप आर्टरीज के अंदर डालोगे ओके okay? तो आपको गैस गैंग्रीन देखने को मिलेगा या एक्स्ट्रा वीनस डालोगे तो आपको पेन देखने को मिलेगा आर्टरी में डालोगे तो गैंग्रीन भी हो सकता होता है ओके जनरल एनेस्थीसिया और सर्जरी करें तो इसकी वजह से आपको जॉइडस वाले पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है जनरल एनेस्थीसिया और सर्जरी की वजह से तो सबसे पहले क्या होता है स्टेप्स एनेस्थीसिया के अंदर आपने क्या देनी होती है इंडक्शन

स्थीजिया की तो इंट्यूबेशन की वजह से क्या हो सकता है इंट्यूबेशन फेल होगी है या एक्सीडेंटली आपने ब्रोंकाई के अंदर इंट्यूबेट कर दिया या डिस्कनेक्शन ब्लॉकेज या ट्यूब की किंकिंग हो होगी ट्रोमा कर दिया स्टीनोसिस हो गया ट्रैकिया का या गैस्ट्रिक कंटेंट की इंस्पायरेशन हो गया ओके रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर निमोनिया ए आ जाएगा ओके और एटिलेक्टिस आपको देखने को मिलता होता है अब जनरल अनस्थीजिया के अंदर आप एयरवे को मेन्टेन करते हैं एयरवे को मेनटेन करने के स्टेप्स क्या होते हैं नंबर वन लिफ्ट चिन लिफ्ट है और जात थ्रस्ट करनी होती है ये शॉर्ट टर्म आपने ये करना होता है चिन लिफ्ट और जाथर्स्ट नंबर 2 गोटल एयरवे गोटल एयरवे के अंदर टंक को आपने होल्ड करना है फॉरवर्ड ठीक हो गया इससे स्पायरेशन नहीं हो पाएगी नेक्स्ट है सुप्रा ग्लॉटिक डिवाइस होती है इजी इंसर्शन होती है वेंटिलेशन को अलाउ करती है फिर आपने एंट्रो ट्रेकियल इंट्यूबेशन लास्ट में ट्रेकियोस्टोमी आपने अप्लाई करनी होती है ओके okay? एक पेशेंट एक्यूट एक्टिव कोलिसाइटस के लिए सर्जरी हो रही है कॉलिसट्राइट में तो कौन सा एनेस्थीसिया देंगे जनरल एनेस्थीसिया देंगे अब जनरल एनेस्थीसिया के स्टेप्स ऑलरेडी बता चुका हो पहले इंडक्शन वाला स्टेप होता है इसी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते होती है मसल रिलैक्सेशन आपने करनी होती है इंट्यूबेशन होती है वेंटिलेशन होती है और रिवर्स करना होता है और इसका ट्राइट होता है तीन काम करने होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में एक तो उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है इसको निजिया कहते हैं या पेन रिलीफ होता है अनलजीजिया बोलते हैं मसल की रिलैक्सेशन देखने को मिलती होती है ओके अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया परफॉर्म करना है तो स्पाइनल नीडल होती है वो किन-किन लेयर -किन को क्रॉस करती है ओके okay? तो पहले स्किन आती है फिर सुपरफिशियल फेशिया या सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है नंबर 3 सुप्रास्पाइनस लिगामेंट फिर आएगा इंटरस्पाइनस लिगामेंट आ जाएगा फिर लिगामेंटम फ्लैब आ जाएगा फिर मेनिन्जेस आती है ओके okay? पहले एपिड्यूरल स्पेस पेड्यूरा आ जाएगा फिर अराक्नॉइड आ जाएगा और ड्यूरा रेक्नाइट और उसके बाद सब रेक्नाइट स्पेस आ जाती है तो यहाँ पर आप स्पाइनल अनस्थीजिया देते होते हैं तो थायराइड की अगर सर्जरी करनी है वन सेकेंड क्या दोगे जनरल अनस्थीजिया दोगे ओके अब वो कौन से मयर्स कौन से मयर्स हैं जिसके अंदर आप एनस्थेटिक की जो कैपेसिटी है उसमें बेटर आउटकम कर सकते हैं ओके मयर्स फॉर बेटर आउटकम फॉर एनर्थेटिक ओके ठीक है तो आपने एक्यूट मॉनिटरिंग करनी है वाइटल्स की ओके वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो वाइटल्स होते हैं उसमें ई सी जी आपने करना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना होता है ओके बेटर आउटकम ऑफ एनसीजिया के लिए ओके okay, तो वास्कुलर के अंदर बी पी और ई सी जी को देख लिया वेंटिलेशन को देखने के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो कि इंस्पायर के अंदर होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन देख ली पल्स ऑक्सीमेट्री से और एंड टाइडल सी ओ टू कंसनट्रेशन ऑक्सीजन कार्बन डाईक्साइड और पल्स ऑक्सीमेट्री अर्स के अंदर आपका टेम्परेचर आ जाएगा वेंटिलेशन के पैरामीटर

पेन को कंट्रोल करना ओके अच्छा यहाँ पर एक एनर्जीजिया लेटर है अब सिंपल अगर किसी को पेन हो रहा है कम पेन है तो सिंपल एनर्जीजिया इस्तेमाल करेंगे जिसमें एनसेट होता है लाइक डिक्लोफिन हो गया एसप्रीन हो गया फिर इससे ठीक नहीं हो रहा तो वीक ओपीआइड्स इस्तेमाल करेंगे उसमें इस कॉडिन ट्राइमोडोल आती है फिर उससे भी ठीक नहीं हो रहा टर्मिनल कैंसर पेन है तो आपने स्ट्रॉन्ग ओपीआईट्स इस्तेमाल करने हैं जिसमें मॉर्फिन और फेंडीनल आ जाएगा और इसके अलावा पीड्यूरल नर्व ब्लॉक हो सकता है ओके अगर किसी को बोन पेन हो रहा है ड्यूरिंग ड्यू टू मेटास्टेसिस तो आपने रेडियोथेरेपी करनी है या से ओके न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए गाबा पेंटिन और पेरिक गैबलिन इस्तेमाल करना होता है तमाम तो एम आई वाले पेशेंट में या एम आई की हिस्ट्री के अंदर छः महीनों तक आपने कोई एक्टिव सर्जरी नहीं करनी टर्मिनल कैंसर का पेन है तो आपने मॉर्फिन इस्तेमाल करना होता है ओके पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है ओके तो ज़्यादा पेन की वजह से या ज़्यादा नारकोटिक्स की वजह से क्या होता है सिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होती है और उसकी वजह से हाइपर टेंशन या अटैक की गार्डिया देखने को मिलता होता है ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा जनरल एनस्थिजिया के क्या फ़ायदे होते हैं नंबर वन पेशेंट स्ट्रेस से क्या होता है फ्री होता है नंबर टू हर तरह की सर्जरी की जा सकती है यहाँ तक कि जो मोस्ट स्पेशल सर्जरी हार्ट की सर्जरी होती है पेशेंट को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म एनस्थीजिया होता है ज़्यादा अर्षे तक आप सर्जरी कर सकते होते हैं ज़्यादा टाइम तक ओके okay? इसके बाद आते हैं लोकल या रीजनल अनस्थीजिया के अंदर लेफ्ट साइडेड इंगल हनी है ओके okay? और वो सर्जरी uh, के लिए ओके okay, uh, फिट है बाई कार्डियोलॉजी और एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट तो कौन सा नसीजे इस्तेमाल करेंगे इस केस में हर्नी प्लास्टिक के अंदर ओके ठीक है तो स्पाइनल एसीजे इस्तेमाल करते होते हैं स्पाइनल एसीजे के क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट कॉमन सर बी पी डाउन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है पैरासीजिया हो सकता है रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस है नीडल ब्रॉक हो सकती है या फिर नर्व रूट को डैमेज कर सकता है लेट कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट कॉमन होती है वो स्पाइनल हेडेक सर में दर्द होता है कमर में दर्द होगा इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस हो सकता है ओके okay, तो हम कहाँ पे थे सॉरी फॉर टैड डिस्टर्बेंस के अच्छा स्पाइनल हेडेक हो सकता है कमर में दर्द हो सकता है मैनजाइटस हो सकता है डिस्क का प्रोलैस आपको देखने को मिल सकता है एक्स्ट्रा ड्यूरल बैसल्स को डैमेज कर सकता होता है प्रीकॉशनरी डिवाइर्स क्या होते हैं आपने जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो आपने ओ पी आर्ट्स नहीं देने क्योंकि लेट रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकती होती है हाइपोवलीमिक पेशेंट के अंदर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर आपने अवॉइड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी हाइपोटेंशन करवा देते हैं तो हाइपोवलीमिया में तो काम खराब हो जाएगा आपने पंक्चर्स के नंबर को लिमिट करना होता है लाइक सबसे पहले आपने फाइन बोर पेंसिल टिप नीडल आप इस्तेमाल करनी होती है जो कि डियो को सिपलेट करती है ना कि कट करती है जिसकी डूरल पंक्चर हेड कम से कम होता है तो फाइन बोर पेंसिल टिप नीडल इस्तेमाल करनी है जो कि ड्यूरा को सिप्लीट करती होती है एक पेशेंट है जिसको राइट रिस्क का गैंगलियन हो गया है और इसके लिए बेयर बेयर ब्लॉक के अंडर ऑपरेट किया गया व्हाट इज़ बेयर ब्लॉक बेयर ब्लॉक एक एक्सीलेंट एनेस्थीसिया होता है छोटी मोटी सर्जरी के लिए फॉर एग्जाम्पल कार्पोटेन को रिलीज करने के लिए या गेंगलियोन को ठीक करने के लिए होता है सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर एग्जेंजुनेशन करते हैं ओके okay, अब जो बैंडेज इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्मार्ट बैंडेज ओके ठीक है नंबर वन आपने ये किया एग्जेंजुएशन किया फिर आपने क्या किया डबल टॉनिक टॉनिकवेट के प्रोक्जिमल कप को इन्फ्लेट किया फिर आपने प्रोकेन डाल दिया आपने किसके अंदर वेन्स के अंदर स्पेसिफिकली ऑन द बैक ऑफ द हैंड है फिर पाँच से लेकर दस मिनट के बाद आपने जो डिस्टल कप है टॉनिक टॉनिकवेट की इसको इन्फ्लेट किया और प्रोक्िमल वन को डिफ्लेट कर दिया यानी डिस्टल को आपने इन्फ्लेट किया प्रोक्जिमल को आपने डिफ्लेट कर दिया सर्जरी फिनिश होगी तो टॉनिक टॉनिकवेट को आपने इन्फ्लेट रखना होता है यहाँ तक एनास्थेटिक आपने टिश्यू से चला गया होगा ओके इस तरह से यह होता है कि सिस्टामिक्लियर नहीं होती ठीक है टॉनिक टॉनिकवेट हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जो एनेस्थीसिया होता है वो लोकल जगह पर रहे सिस्टामिक पे ना फैले तो

रीजनल डारो ब्लॉक हो गया सेंट्रली हम ब्लॉक्स कर रहे हैं स्पाइनल यापीड्यूरल एनर्जीजिया से अब इन में क्या डिफरेंस होता है इसको पढ़ लेते हैं ओके okay. तो जो स्पाइनल एनर्जीजिया होता है एल वन और एल टू के लावल से वैसे एल टू एल थ्री के लावल से नीचे किया जाता है जहाँ पे स्पाइनल कोड एंड होती है जबकि एपीड्यूरल वाला किसी भी कॉलम पे किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कोड को आपने क्रॉस नहीं करना होता ओके okay. स्पेस के बारे में बात करें ओके okay. तो ये सब रकनाइट स्पेस में होता है यापीड्यूरल स्पेस में होता है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्पाइनल एनर्सीजिया को कि हम सब रकनाइट स्पेस में पहुंचे हैं जब से आना शुरू हो जाएगा और इसमें रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है डोज़ इसमें बीपी वकीन की कम डोज़ इस्तेमाल की जाती है 2.5 से 3.5 इसमें आपको ज्यादा डोज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है 15 से लेकर 20 ऑनसेट इसका स्पाइनल का रैपिड होता है और पेडीटल का स्लो होता है हाइपोटेंशन आपको स्पाइनल में ज्यादा देखने को मिलती है एपिड्यूरल में कम होती है हेडेक आपको ज्यादा देखने को मिलता है स्पाइनल के अंदर तो ये जो हाइपोटेंशन रैपिड है कॉम्प्लिकेशन भी रैपिड होती है कॉन्सेंट भी रैपिड है दोस्त कम से कम चाहिए होती है या ऑलमोस्ट हो जाएगा अब मेथड ऑफ एपिड्यूरल एनर्जीजिया सबसे पहले प्रियो प्रिपरेशन है लाइक इनफॉर्म कंसेंट देगी आई वी फ्लूड्स आप देते होते हैं पेशेंट की पोजिशन लाइट क्यूबिटस आपको देखने को मिलती है या सिटिंग पोजिशन हो सकती है ओके क्लियर 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 और इसके बाद आपने प्रोजेक्शन करनी होती है प्रोजेक्शन यानी किस टेक्निक से आपने प्रेफर करना है मीडियम मिड लाइन से पैरामीडियन टेलर जिसको मोडिफाइड पैरामीडियन कहते हैं या कॉर्डल अप्रोच आपने सेलेक्ट करनी है ओके नंबर वन आपने क्या करना होता है आपने नीडल जो सिलेक्ट करनी है उसका नाम है तोह ही नीडल ओके okay. तो सुपर स्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं इंटर स्पाइनस लिगामेंट में जाएगी फिर आपने स्टाइल को रिमूव करना होता है फिर आपने सिरिंज अटैच करनी होती है जिसमें एयर या सिलाइन होता है या हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं एपी ड्यूरल स्पेस में जाने के लिए फिर आपने एपी ड्यूरल थीटर को डाल देना एपी ड्यूरल स्पेस के अंदर और फिर आपने एनेस्थेटिक एजेंट इस्तेमाल करना है टू परसेंट विद एड्रेनालिन और पॉइंट फाइव परसेंट बी ओके नसीब देने के लिए तो पहला स्टेप क्या था आपने कंसेंट ले ली और आईवी फ्लूइड से दिया पोजीशनिंग आपने किया प्रोजेक्शन किया नीडल की पंचर किया है पंचर के लिए तो ही नीडल आपने इस्तेमाल किया सुप्रास माइनस के लिए और डेंटल माइनस के लिए आपने स्टाइलेट को यूज किया फिर स्टाइलेट को रिमूव किया एल ओ आर सीरीज आपने इस्तेमाल की एयर या यान भरा हुआ है या हैंगिंग ड्रॉप मैथड आपने इस्तेमाल किया आपके कैपथियटर डाल दिया एपड्यूरल स्पेस के अंदर और वहां आपने आपनेटिक एजेंट डाल दिया टू परसेंटलो के विद इसलिए डालते ताकि सिस्टमिक इस लेवल ना पहुंच पाए कॉम्प्लीकेशन एपीड्यूरल की वजह से क्या हो सकती है ओके एपीड्यूरल की वजह से एस ई एन स्पाइनल इंजरी हो सकती है एपिड्यूल हिमाटोमा हो सकता है नर्व डैमेज हो सकती है और स्पाइनल बता चुका की इमीजिएट के अंदर हाइपोटेंशन थी स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज आपको देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस है

लेट आओगे लाइट्स को डिम कर दोगे कॉफी या प्लानी वाटर लोगे एनर्जैसिक्स यूज़ करोगे या फिर ड्यूरल ब्लड पैच इस्तेमाल करोगे ओके वट आर द्री इंडिकेशन ऑफ एपी ड्यूरल एनर्जीजिया तो एपीड्यूरल एनर्जीजे के तीन इंडिकेशन नंबर वन पोस्ट ऑपरेटिव एनर्जीजिया ऑपरेशन के बाद एनर्जीजी प्रोवाइड करने के लिए हम देते होते हैं विद अ पॉइंट्स ओके मेजर सर्जरी अगर आपने परफॉर्म करनी है फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रामा है विद और विदाउट रिप इंजरी फॉर ऐसे कि आपडोमिनल या औरपैडिक है और ओप्स के अंदर उसी सेक्शन होता है वो भी एपीड्यूडल से रहता है ओके यानी पोस्ट ऑपरेटिव एनर्जीजिया मेजर सर्जरी नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल एंजाइना के लिए या क्यूड पेन के लिए ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट है कि फोर आर्म पे स्वेलिंग हुई पड़ी है जी ए इस्तेमाल नहीं कर रही तो आप लोकल या रीजनल नसीजिए दोगे स्पेसिफिकली फोर आम के अंदर आप बियर्स ब्लॉक देते हैं या लोकल या रीजनल नसीजिया ड्रस कौन सी यूज करते हैं मेनली लिगनोकेन या पिरोकेन इस्तेमाल करते होते है। हैं डोज करनी है इनकी पिलोलोकिन में लिगन मिलीग्राम होती है ओके okay. अगर एड्री के साथ दोगे तो चेक कर लोगे ओके जबकि लेगिनों के ले थ्री होती है छ होती है इनको हो रट्टा मार लो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया लोकल एनथीसिया जहाँ नीडल डालोगे इन्फेक्शन हो सकता है हिमाटोमा हो सकता है कार्डिक एरिस् कार्डिक अरेस्ट हो सकता है डिप्रेस्ट कॉन्शियसनेस और कन्वर्जन देखने को मिल सकती है तो चार सी को रट्टा मार लेना ओके बाकी इन्फेक्शन और हिमाटोमा तो है कार्डिक एरिद्स कार्डिक अरेस्ट कॉन्शियसनेस और कन्वर्जन आपको देखने को मिलता होता है ओके okay, ठीक है रीजनल अनस्थीजिया क्या होता है रीजनल एनस्थिया में जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो डायरेक्टली हम सर्जिकल एरिया में डालते हैं टू ब्लॉक द पेन सेंसेशन ओके एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के चांसेस कम होती है स्पेशली उन ब्लॉकों के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज होता है तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम होती है नंबर टू एक्सीलेंट पेन रिलीफ होता है पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर जिसके अंदर आपको ओ की जरूरत कम से कम होती है तो पोस्ट ऑपरेटिव रिलीफ के लिए भी हम लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल कर सकते होते हैं अब अबस्थीजिया आगे बता रहे हैं जी है हो सकता है रीजनल हो सकता है रीजनल में भी नर्व ब्लॉक हो है फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर्स डोमिन का ब्लॉक हो सकता है अडोमिनस ब्लॉक है या yeah. आई रीजनल अनस्थीजिया दे सकते हैं बियर्स ब्लॉक है स्पाइनल पीड्यूरल होता है प्रेफरेबल टाइप ऑफ अस्थीजिया स्पाइनल अनर्जिया प्रेफरेबल होता है बिकॉज इकोनॉमिकल होता है हाइपर टेंशन की वजह से ब्लीडिंग कम से कम होती है रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है रिलैक्सेशन होती है कॉम्प्लिकेशन कम से कम होती है स्पाइनल अनिया एल थ्री और एल फोर के दरमिया में किया जाता होता है मोस्टली ये भी किया जाता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है लोअर एंड ऑफ एल वन वर्टीब्रा के ऊपर तो आपने नीडल इससे नीचे डालना होता है द स्पाइनल कॉर्ड ओके अब इसके बाद नेक्स्ट है एनास्थेटिक एजेंट यूज़ है तो ऑलमोस्ट हो जाएगा हर और में लोकल वाला इस्तेमाल करते होते एलेवन ये फाइव पॉइंट टू ये तो हो जाएगा ओके अब मेरिट्स क्या होते हैं जनरल एनर्सीजिया के जनरल नसीजिया में तमाम तरह की सर्जरी कर सकते हैं जबकि लोकल के अंदर सिंपल टेक्निक कर सकते हैं जिसमें कॉन्शियसनेस रिटेन होती है डी मैरिट्स क्या होते हैं जनरल नसीजे की वजह से हाइपर टेंशन होता है लोकल की वजह से हाइपर टेंशन होता है ओके okay? जनरल में कार्डी के रेडिस््रोको स्पाइजम हो सकती है लोकल के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव डिलिवरी हो सकता है स्पाइनल नसीजिया के अंदर जो लोकल एनर्थेटिक होता है हम डायरेक्टली कहाँ पर डाल देते हैं सैबरक स्पेस में जिसमें सिंपैथेटिक टोन खत्म हो जाती है ओके okay? और मसल्स की सेंसेशन मसल्स का फंक्शन और सेंसेशन खत्म हो जाती है जो सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है

और नी को आपने फ्लेक्स करना होता है ड्रग्स लिगनो के बीपी विकेन इस्तेमाल करते होते हैं टाइप स्कॉडल हो सकती है लो फाइनल मिड स्पाइनल हाई स्पाइनल जून स्पाइनल हो सकती है अब पेन तीन टाइप का होता है नॉक्सीप्टिक न्यूरोपैथिक और साइकोजेनिक पेन होता है ऑप्शन फॉर कंट्रोलिंग सीवियर पेन एंड मलेग्र डिजीज तो ओरल मॉर्फिन इस्तेमाल कर सकते हैं स्लो रिलीज इंटायरेक्टिक टेबलेट्स होती है या स्लो इन्फ्यूजन ओपीआर सब इसलिए दे सकते हैं पीड्यूरल एंट्रोथिकल न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं या फिर पेलिएटिव हारमोनल रेडियोथेरापी ऑप्शन वगैरह कर सकते होते हैं लाइक इस्तेमाल कर सकते होते हैं ओके okay, बोन्स के कैंसर के अंदर अब यहाँ पे एन डब्ल्यू एच ओ पेन स्टेप लेटर जो एक्सप्लेन किया था सिंपल पहला, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सिंपल एनर्जा इस्तेमाल करते हैं जिसमें जाती है सेकंड स्टेप में कोडिन ट्राइम आ जाएगा तो ड्रग्स प्रो प्रोप्रोक्सीफिन है और थर्ड स्टेप में मॉर्फिन आ जाती है स्ट्रॉन्ग वाली ऑप्शंस फॉर कंट्रोलिंग पेन इन बिनाइन डिजीज मलिग्रन के अंदर तो ओरल मॉर्फिन था पेन को कंट्रोल करने के लिए नंबर टू सबकोटेनियस मॉर्फिन था न्यूरोलाइसिस था और फिलियटिव था लेकिन अगर बिनाइन है तो आपने क्या करना है पेन को कंट्रोल करना है बिफोर एम्प्यूट ampu... सबसे पहले ब्रिंग द पेन अंडर कंट्रोल ओके तो पेन को कंट्रोल करना है बिफोर एम्प्यूटेशन टू वाइट फैंटम पेन सिंड्रोम होता है लोकल नस्थेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टीरोयड डाल सकते होते हैं अराउंड द नर्व जो कि मसल्स मेटाबॉलिज्म को कम करेगा टेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं जो कि एंडोर्फिन प्रोड्यूस करती है और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी को हम ठीक करने के लिए डीकंप्रेशन हम नर्व करते हैं तो क्या होती है पेन को कंट्रोल करना टू वाइट फैंटम लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं टेंस कर सकते हैं और डीकंप्रेशन ऑफ नर्व कर सकते हैं रिकमेंडेड पेन किलर इन पेशेंट तो और मॉर्फिन होता है ओके तो पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया पीसीए क्या होता है एवर टेक्निक है जिसमें खुद अपने आप के अंदर ड्रग्स देता है थोड़ी बहुत ड्रग्स ओके आफ्टर ट्रेनिंग हिम यानी ओपीआर देता है थ्रू द डल या आईवी रूट से ओके आईवी रूट से देता होता है